वहीं सरायकेले में अंचलाधिकारी और गमरिया प्रखंड उप प्रमुख के साथ हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप प्रमुख कयाम हुसैन ने अंचलाधिकारी के ऊपर घुसखोरी, मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का आरोप लगाते हुए अंचलाधिकारी को अविलंब निलंबित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। उन्हें बताया कि सरायकेला अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं। उनके कार्यालय में वे जिस चेयर पर बैठते हैं उनका पेमेंट मेरे फोन पे से किया जा गया है और विवाद बढ़ने पर उन्होंने 13,000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस कर दिया है। उनका घुसखोरी का जीता जागता सबूत मेरे पास है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उग्रवादी घोषित कर गोली मरवाने तक की बात कही है। और 30 तारीख को सरायकेला अंचल के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह द्वारा मुझ पर गलत इल्ज़ाम और अपरिचित व्यवहार कह करके अचानक मुझ पर वार किया, मारपीट किया और उसमें हमने पूछे जब तो बोले कि आप दलाल हैं। तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड प्रमुख हैं, हम तो सभी का कार्य करते हैं और सभी जनता ने हमको चुन के भेजा है। हम जनता का ही काम करेंगे, हम सभी का काम करते हैं, पूरे क्षेत्र का। और ऐसा नहीं है कि अपना क्षेत्र छोड़ के पूरा जिला का भी अगर मामला आता है तो उसमें हम योगदान देते हैं। उसमें हमको दलाल कहा गया, जबकि खुद अपने प्रवीण कुमार सिंह वो बैठते हैं जो चेयर, वो 25,000 का कुर्सी है जो घुसपैठ के तौर पर मुझसे लिए थे और गूगल पे के माध्यम से वो 22 मार्च को 13,000 रुपया ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज करने के लिए 2 आवेदन मेरे पास अभी भी मौजूद है, उस आवेदन का पैसा लिए थे गरीब लोगों से। तो ऐसा कहीं ना कहीं अंचल अधिकारी ऐसे कहीं हम लोग नहीं देखे थे। एक बेईमान किस्म के भ्रष्ट जो भ्रष्टाचार हैं उस 38 तारीख को सरायकेला